अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके वर्कबुक के चैलेंज नंबर नाइन के बारे में जिसका नाम है की इवेंट्स इसमें हमें जो है एक सेट ऑफ कमांड्स दे दी गई हैं हमें इसको एक्जैक्टली स्क्रैच में बनाना और देखना है कि इसमें क्या एरर है और जो एरर है उसको ठीक करना है हमने जो है एग्जैक्ट प्रोग्राम जो है हमने इस्क्रैच में बना के रख दिया है और हमें हम अब हमें इसमें से एरर चेक करना है मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करता हूँ जो इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद है वो ये है कि जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक कर दें उसके बाद हम एरो से जो है अपनी स्क्रैच शेट को लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव कर सकें अब मैंने ग्रीन फ्लैग जब क्लिक किया तो ये जो है स्क्रैच शेट जो है मूव नहीं कर रही इसकी बेसिक वजह ये है कि जो हमारी जो ग्रीन फ्लैग के बाद जितनी भी कमांड्स होती हैं वो एक दफ़ा रिपीट होती हैं ठीक है लेकिन हमें जो ये सारी कमांड्स है वो चाहिए हमेशा के लिए यानी कि जब तक मैं स्टॉप का बटन ना दबाऊँ तो ये जो सेट ऑफ़ कमांड्स हैं ये ऐसे की ऐसी रहें और मतलब चलती रहें और मैं स्क्रैच शर्ट को मूव कर सकूं तो मैं क्या करूंगा फॉर एवर का एक लूप लगा दूंगा इनके ऊपर इन सब कमांड्स के ऊपर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ अप से ये अप जा रहा है डाउन से ये डाउन जा रहा है लेफ्ट राइट से ये लेफ्ट पे जा रहा है लेफ़्ट से ये राइट पे जा रहा है ठीक है तो दूसरा एरर हमारा क्या है कि जब मैं लेफ़्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ तो वो राइट right पे जा रहा है और जब मैं राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ वो लेफ्ट पे जा रहा है ठीक है इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट इन डायरेक्शन है वो हमें ठीक करना है जो राइट right के लिए वो होगा वो होगा पॉजिटिव नाइन्टी और लेफ्ट के लिए जो होगा वो नेगेटिव नाइन्टी ठीक है अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ अप डाउन लेफ्ट राइट अब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो गया अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अब हम जाते हैं अपने एक्सटेंशंस की तरफ एक्सटेंशन पे है मोडिफाई प्रोग्राम सच द स्क्रैच केट मूव्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन व्हेन द की ओ इस प्रेस्ड ठीक है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस तो ये हमारे पास डायरेक्शन हैं इसमें जो है ईस्ट इस, इस तरफ है यानी कि राइट की तरफ ईस्ट है लेफ़्ट की तरफ वेस्ट है और अप के लिए नॉर्थ है और साउथ के लिए डाउन के लिए जो है वो साउथ है तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो यहाँ है ठीक है तो हम अगर लगाएं यहाँ पे अगर जीरो डिग्री है कंसीडर करें इसको एक सर्कल ले लिए ठीक है यहाँ अगर ज़ीरो डिग्री है तो नॉर्थ पे जो क्या होगा हमारा नाइन्टी डिग्री होगा और इधर जो है हमारा वन एटी डिग्री होगा ठीक है और इधर जो होगा हमारा वन एटी में नाइन्टी प्लस टू सिक्सटी डिग्री होगा ठीक है तो इस तरह से क्या है कंप्लीट सर्किल बनेगा जो नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में यानी कि राइट और अप के बिल्कुल बीच में है तो ये क्या होगा 45 डिग्री होगा अगर टू को आप डिवाइड 90 को आप डिवाइड करें टू से तो ये बनता है 45 डिग्री ठीक है तो मैं अगर 45 डिग्री अब मुझे क्या करना है टर्न करना है 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं क्या करूँगा एक कमांड जस्ट डुप्लीकेट करूँगा डुप्लीकेट करने के बाद क्या करूँगा इसमें लिखूँगा फोर्टी डिग्री और जब ये ओ प्रेस हो तो वो उधर अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। अब मैं ओ प्रेस कर रहा हूँ देखिए ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है इजीली। ठीक है अब हम दूसरा एक्सटेंशन देख लेते हैं मॉडिफाई द अब प्रोग्राम सच दैट द स्क्रेच कैट मूव इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वैन दर इस प्रेस्ड नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा हमारे पास वैन आर इस प्रेस्ड हमारे पास जो है नॉर्थ ईस्ट में मूव करने के लिए पॉजिटिव 45 था तो नॉर्थ वेस्ट में जाने के लिए हमारे पास क्या होगा नेगेटिव 45 डिग्री होगा जिससे जो है हमारी स्क्रैच गेट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगी अब मैं रन करके चेक करता हूँ उसको आठ दरबारा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है ओ दोबारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है और डाउन की से डाउन आ रहा है और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कम्प्लीट थैंक यू